पर्पस है वो ये है कि आगे हम आने वाले वीडियो के अंदर इस सर्किट का डिज़ाइन ईगल सॉफ्टवेयर पे करेंगे, तो पहले उसको समझ लेते हैं और बाद में इसका एक वीडियो देखेंगे और साथ में इसकी कंपोनेंट्स को भी देखेंगे, ताकि जब हम सर्किट बनाएं तो हमें ये पता रहे कि हमारे कंपोनेंट कैसे दिखते हैं और उनके डिज़ाइनिंग हम कर रहे हैं, तो थोड़ा हमें हेल्प हो जाए। तो आइए हम देखते हैं हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि हमने जो है इस सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट ले रखे हैं। तो यहाँ पर हमने दो पिनहेड्स ले रखे हैं जहाँ पर हम ट्रांसफार्मर का आउटपुट कनेक्ट करेंगे, और ये हमारा डायोड है जिसकी वैल्यू है 1N4004, और ये हमारा एक कैपेसिटर है जो फिल्टर के काम के लिए हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमने 10K का रेजिस्टेंस यूज़ किया है जिसका नाम हमने R1 दिया है, और यहाँ पर हमने एक LED का यूज़ किया है। अब आप देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, वोल्टेज को कम करना या ज़्यादा करना। तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो क्या करेगा, आपका 230 वोल्टेज को लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा यहाँ पर 12 वोल्ट AC के अंदर। अब क्योंकि हम हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर को समझ रहे हैं, तो हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर हम एक ही डायोड का यूज़ करते हैं। यदि हम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर बनाते या समझते तो वहाँ पर हम चार डायोड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कुछ चार डायोड एक अलग मैनर में कनेक्टेड होते जो हमको आउटपुट सप्लाई देते हैं या DC सप्लाई देते। लेकिन हाफ वेव का फ़ायदा ये है कि हम एक ही डायोड से जो है DC हमें मिल जाता है, और उसका यूज़ हम एक पर्टिकुलर सर्किट्स में कर सकते हैं। दोनों के यूज़ डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाते हैं। तो अब हम इसकी वर्किंग को और देखते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर AC सप्लाई आएगा, और AC सप्लाई का जो वेव फॉर्म होता है वो कैसा होता है एक देखने के लिए हम देखते हैं कि AC सप्लाई का जो वेव फॉर्म होता है वो, एक मिनट में यहाँ से पेन ले लेता हूँ, और पेन से हम समझते हैं कि कैसे हो सकता है AC सप्लाई का वेव फॉर्म। आपने देखा होगा कि इस टाइप से AC सप्लाई का वेव फॉर्म होता है। तो जब यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल रहेगी तब तो ये डायोड यहाँ पे कंडक्ट करेगा, लेकिन जब नेगेटिव साइकिल रहेगी तब ये डायोड यहाँ पे कंडक्ट नहीं करेगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपको वेव फॉर्म मिलेगी वो कुछ ऐसी मिलेगी। नेगेटिव के समय यहाँ पर आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, और पॉजिटिव साइकिल फिर से जब आएगी तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा। तो इस तरह से आपको DC सप्लाई यहाँ पर मिलती जाएगी। इसे हम हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट वेव फॉर्म भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं हम, इसे हम बोलते हैं पल्सेटिंग DC। मतलब जनरली हमको पता है कि DC हमारा कैसा होता है, DC हमारा इस तरह से स्ट्रेट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, DC के अंदर कुछ पल्सेस मिल रहे हैं, कुछ वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। तो हमको ऐसा DC तो चाहिए नहीं होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया है, एक कैपेसिटर लगाया है। तो वो कैपेसिटर से हमको कैसा आउटपुट मिलेगा, कुछ ऐसा। अगर हम मान लीजिए ये नहीं लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ये कैपेसिटर हम नहीं लगाते हैं और रेजिस्टेंस और LED लगाते हैं, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब भी ये LED जो है वो ऑन तो होगी, लेकिन ये LED क्या करती रहेगी, जो है ब्लिंक करती रहेगी। इसका रेट बहुत फास्ट होगा। रेट कितना फास्ट होगा, देखिए आप यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है उसकी फ्रिक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। वाई 50 हर्ट्ज, क्योंकि जो आपका ट्रांस जो हमारी AC सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज की ही होती है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 50 हर्ट्ज मिलेगा। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको अगर देखा जाए तो 100 हर्ट्ज हो जाएगा वो आपकी सप्लाई जो है वो 100 हर्ट्ज हो जाएगी। क्योंकि अगर हम हाफ वेव की बात करें तो चलो हम 50 हर्ट्ज ही काउंट कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो एक टाइम के लिए तो ये LED पर जब पॉजिटिव साइकिल जाएगी तब तो ये LED ऑन हो जाएगी, लेकिन जब नेगेटिव साइकिल जाएगी तब ये LED क्या होगा, ऑन नहीं होगी। और ये आप जो है ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपको LED तो कंटिन्यू ऑन ही दिखेगी, लेकिन कब ऑफ दिखेगी ये आपको तब ऑफ दिखेगी जब जो है आप कैमरे से इसको देखेंगे, तब आपको आसानी से दिखेगा कि LED के अंदर हल्का सा ब्लिंक आ रहा है। जब ये कैपेसिटर यहाँ पर नहीं होगा तब, अगर कैपेसिटर लगा देंगे आप तो क्या होगा, ये जो है इस तरह का DC मिलेगा, तो उससे इसमें ब्लिंक आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर हमने 10K का रेजिस्टेंस क्यों लगाया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको 12 वोल्ट AC आ रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि 12 वोल्ट DC आएगा फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो 12 वोल्ट DC अगर डायरेक्ट LED पे जाएगा तो LED तो खराब हो सकती है, क्योंकि LED का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो लगभग 2 वोल्ट होता है, ठीक है।
तो इसलिए हमने यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाया। कोई और वैल्यू का भी रेजिस्टेंस हम लगा सकते थे, इसके ऊपर हम डिस्कस बाद में करेंगे। लेकिन ओवरऑल अब हमारा ये क्या हो चुका है, यहाँ पर ये हो गया है हमारा यहाँ पर हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर, इसको हमने एक छोटा सा समझा है। अब हम आगे जाके क्या करेंगे, आगे जाके यही सर्किट हम ईगल में डिज़ाइन करेंगे। ये जो सर्किट है मैंने अभी ईगल में डिज़ाइन किया था, तो उसी को मैंने पहले एक बार सोचा कि आपको समझा देते हैं और फिर इसको आपको डिज़ाइन करके बताएंगे। तो अब हम इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कहाँ पर कितना वोल्टेज आ रहा है। मैंने ये जो पूरा सर्किट है इसको ब्रेडबोर्ड पर एक बार चला के और टेस्ट करके देखा था, वोल्टेज मेजर करके देखा था। तो अगर आपको ये सर्किट बनाना हो तो आप बना भी सकते हैं, ये टेस्टेड ओके है। और कुछ वोल्टेज के बारे में हम जानते हैं, आइए चलो देखते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये देखिए ब्रेडबोर्ड है, ये मेरा जो है 12 वोल्ट 500 मिली एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। इस बात को आप गौर करिएगा क्योंकि बाद में हम जब सर्किट डिस्कस करेंगे तो ये सारी बातें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो यहाँ में हमने 230 वोल्टेज सप्लाई दे रखी है और ये देखिए आप यहाँ पर जो है ये सप्लाई ऑन है, और यहाँ हमने ब्रिज रेक्टिफायर के 2 पॉइंट पर बस इसको लगा रखा है। तो अब हमने जब इसको एक्चुअल जिसका वोल्टेज चेक किया तो वो हमारा कितना था, 14 वोल्ट, 14.5 वोल्ट AC। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम चेक करते हैं कि हमने क्या किया, क्योंकि हमको एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना था और वो भी हाफ वेव ब्रिज रेक्टिफायर, तो हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे, एक डायोड, और डायोड की आप डायरेक्शन देख सकते हैं इस तरह से हो रही है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। और यहाँ पे हमने लोड के लिए, आप देखेंगे लोड के लिए सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाया। जनरली क्या होता है कि जब आप कोई सर्किट इंटरनेट से देखेंगे तो वहाँ पर एक लोड के लिए एक रेजिस्टेंस ही लगा होता है। तो हमारे मन में प्रश्न आता है कि क्या हम सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, तो हाँ हम वहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सप्लाई ऑन है, एक्चुअली ये वीडियो में आप देख सकते हो, हालांकि वीडियो में मैंने पूरा सर्किट बनाया उसके बाद वीडियो लिया है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम एक्चुअल में भी एक रेजिस्टेंस लगा के इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने इसका AC वोल्टेज चेक किया, कहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कितना सप्लाई मिल रहा है, 13.6, मतलब 14 से 0.5, मतलब समथिंग समथिंग कुछ 1 वोल्ट यहाँ पर ड्रॉप हो चुका है। तो वो हो सकता है किस वजह से, इस जो है डायोड की वजह से, और डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स और वो चीज़ें हम और आगे भी देख सकते हैं। और अगर मैंने अब, क्योंकि एक्चुअली यहाँ आ तो DC रहा है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर AC चेक किया, क्योंकि पल्सेटिंग DC भी एक तरह से इक्वलेंट टू AC ही है, तो इसलिए मैंने उसका AC चेक किया। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमने क्या किया, DC भी चेक किया, तो DC हमको कितना मिल रहा है, सिर्फ 6.2 वोल्ट मिल रहा है। सोच लीजिए आप कि अगर हमको यहाँ पर 6.2 वोल्ट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब एक तरह से हमारे लिए एक एक फैक्ट है कि हमको अगर कुछ करना है तो हम क्या कर सकते हैं। 230 वोल्टेज से सिर्फ हमने इन तीन कंपोनेंट की हेल्प से क्या किया है। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक LED लगा देता हूँ तो क्या होगा, हालांकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, वो हम देखते हैं आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए LED ऑन भी है, रेजिस्टेंस भी लगा हुआ, सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर अब अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे यहाँ पे, कहाँ पर, यहीं पर, क्योंकि क्या होगा कि वोल्टेज तो हम वहीं चेक कर सकते हैं, यहाँ तो चेक कर नहीं सकते हैं। ग्राउंड, इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और इसके रिस्पेक्ट में हम हमेशा वोल्टेज चेक कर रहे हैं। ये ग्राउंड है आपका और ये जो है आपका जहाँ पर आपको वोल्टेज चेक करना है वो है। तो यहाँ पर पहले हमारा क्या आ रहा था, जब LED नहीं थी 6.2 वोल्ट आ रहा था, ठीक है। और अब जब मैंने LED लगा दिया है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ 6.2 में से आप शायद 10-10 मिली वोल्ट आप ड्रॉप कर देंगे, मतलब ड्रॉप हो रहा है सिर्फ एक LED की वजह से। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। और यहाँ पर मैंने लिखा है ब्लिंक इन कैमरा, तो आप जब इसको अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा ब्लिंक होता हुआ आपको दिखेगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दिया, तो जो रेजिस्टेंस ऐसा लगा था उसको ऐसा लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ से एक LED लगा दी और ये कैपेसिटर यहाँ लगा दिया। तो कैपेसिटर की वजह से क्या होगा दोस्तों, देखो कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर का काम क्या होता है, फिल्टर करने का काम होता है। तो हमने यहाँ पर जो है कैपेसिटर लगाया है कितना वोल्ट का, 1000 माइक्रोफेराड और 25 वोल्ट का। अब 25 वोल्ट तक तो ये चार्ज हो ही सकता है, ठीक है, ये इसकी कैपेसिटी है। अगर हमने यहाँ पर LED भी लगाई है तो वो डिस्चार्ज भी होगा, तो उसकी वजह से अगर आप कैपेसिटर पर वोल्टेज चेक करेंगे तो 17.2 वोल्ट आपको मिलेगा। एक्चुअल में 25 तक पहुँच सकता है अगर यहाँ पर हम कोई भी रिवर्स पाथ नहीं लगाए तो। पर क्या होगा, रिवर्स पाथ नहीं लगाएंगे तो डिस्चार्ज नहीं होगा, डिस्चार्ज नहीं होगा तो ये ब्लास्ट हो सकता है। तो इसलिए 25 वोल्ट तक चार्ज ना होते हुए वो
लगभग लगभग डिस्चार्ज भी होता है, तो आपको लगभग कितना मिल जाता है, 7.2 वोल्ट, मतलब कंटिन्यूली वो डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कितना। मतलब अब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे और ग्राउंड पे चेक करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 17.2 वोल्ट DC, और LED पे कितना आ रहा है अगर हम देखेंगे तो वो 2.1 वोल्ट DC आ रहा है, क्योंकि वो उसको इतना ही वोल्टेज आ सकता है। ठीक है, तो ये हमने एक सर्किट यहाँ पर छोटा सा समझ कर देखा कि क्या होगा, क्योंकि अगर हम इस तरह से अगर ईगल पे जाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। जनरली क्या होता है कि हम डायरेक्टली ईगल पे सर्किट बनाते हैं तो हम इमेजिन नहीं कर पाते कि हमारा कंपोनेंट कैसा दिख रहा है, क्या हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम इस तरह सा एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये देखिए आप, सब पूरी वोल्टेज रेटिंग है यहाँ पर और कुछ चीज़ें यहाँ लिखी हुई है, और ये हमारा सर्किट है जो हमने ऊपर देखा था। तो इसके अंदर मैंने यहाँ वोल्टेजेस भी लिख रखे हैं सब कुछ करके, और ये हमारा यहाँ पे सर्किट है, इसको आप थोड़ा सा और ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, खैर अपन ने सर्किट एक्सप्लेन समझ लिया है। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है मैंने इसका एक वीडियो बनाया था, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अभी जो है इसको प्ले कर देता हूँ, ताकि जो है आप बस इतना सा देख लें कि जो है सर्किट आपका कैसा दिख रहा है, मतलब किस तरह से चलाएंगे तो ये हो, ताकि आपको एक बार थोड़ा सा पता चल जाए कि एक्चुअल में इसको शूट किया है। तो मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाया है, और यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, ये सर्किट मैंने एक्सप्लेन किया, इस वीडियो को मैं आगे बताऊँगा, मतलब आगे फुल वीडियो आप देख सकते हैं, हालांकि उसमें वही चीज़ें बताई है जो सब चीज़ें करी है, लेकिन आपको देखने के लिए हेल्प होगी। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, अब मैंने इसको शायद ऑन भी किया है, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर अब ये कंटिन्यू जो है चल रही है, शायद इसको ऑफ कर दिया है, हाँ ठीक है सॉरी। तो यहाँ पर मैंने इसको जो है ऑफ कर दिया था, अब देखिए आप कैमरे से ही शूट हो रहा है, तो यहाँ पर ये LED ब्लिंक होती भी नहीं दिख रही है, हालांकि ब्लिंक वाले पोर्शन को मैंने शूट नहीं किया है। तो ये वीडियो आप आगे देख सकते हैं, अभी तो मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको ऐसा पता नहीं चलेगा कि ये वीडियो में आवाज़ क्या आ रही है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम इस सर्किट को ईगल पर डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू सो मच।